ड्रैगन और डायनासोर की बातें काफी समय से चली आ रही हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में ये वाकई में हुआ करते थे और लोग इनके साथ रहा करते थे। हालांकि 21वीं शताब्दी में इनके होने की केवल बातें ही सुनाई दी हैं, लेकिन चीन में वाकई में ड्रैगन मिला है। हाल ही में चीन में एक जीव का कंकाल मिला है जो 60 फुट लंबा था। ये कंकाल ड्रैगन का बताया जा रहा है और इसका ढांचा भी ड्रैगन से काफी मिलता जुलता है। चीन के जांगजी को सिटी के रहने वाले लोग तब चौंक गए जब उन्होंने पास में एक ड्रैगन के अवशेष देखे। जमीन पर 60 फुट लंबा अवशेष पड़ा था। उसका एक बड़ा सा सिर था और दो हाथ थे। लंबा सा धड़ पूरी जमीन पर फैला हुआ था। ये अवशेष किसी जानवर के नहीं लग रहे थे। इसका शरीर एकदम ड्रैगन जैसा था। लोगों ने इसकी तस्वीरें खींच ली जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही हैं। लोगों में यह बहस छिड़ गई है कि क्या ड्रैगन अभी भी मिला करते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ड्रैगन के पंख नहीं है। वैसे चीन की पौराणिक कथाओं के अनुसार बाकी ड्रैगन्स की तरह उनके बड़े बड़े पंख नहीं होते, उनका लंबा सा शरीर होता है और वो इसी के सहारे हवा में उड़ते हैं। चीन की कथाओं में ड्रैगन का जिक्र भी किया जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।